गौरव भाटिया जी पूछ रहे राहुल गांधी कि स्वास्थ्य मंत्री बदले तो अब क्या वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी? नहीं, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलते हैं कांग्रेस पार्टी का डूबना खत्म हो जाता है क्या अंजना जी? आप क्या, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये इनकी एक कल्पना है कि कोविड का संकट, मैं तो शुरुआत ही करूंगा हर्षवर्धन जी के अच्छे कामों से। आज उनपे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे खराब काम किया है अंजना जी, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पहली वेव में मजबूती से भारत सबसे अच्छा कार्य करे, दूसरी वेव को नियंत्रित किया, तो हटाया क्यों? 36 करोड़ वैक्सीन दी और उसके तो बाद हटाया क्यों सर? हटाया तो आपने ना, कांग्रेस हाँ, पार्टी ने थोड़ी हटा दिया। देखिए ऐसा है अंजना जी, आप ये पहले बात बताइए कि जो क्षेत्र अधिकार विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, जो योग्य लोग हैं उनकी जरूरत सरकार में भी होती है और संगठन में भी होती है, और अगर कोई बदलाव आता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है। नए विचारों वाले, ऊर्जावान, युवा, महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, सभी वर्गों को हमने भागीदारी दी है और इनको क्यों मिर्ची लग रही है? सुप्रिया जी, आपकी परेशानियां गिनाई उन्होंने अंत में, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले लिए हैं और उम्मीद आखिरकार जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी और उनका प्रेरोगेटिव है, अपना उन्होंने कैबिनेट चुना है। इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया सबने, सबने इतना बढ़िया काम किया तो पुरस्कृत करने के बजाय हटा क्यों दिए गए? पहला सवाल तो ये, योग्य लोग लाए गए तो क्या पहले अयोग्य लोगों ने 2 साल तक इस सरकार को गर्ताल में डाल के हमारे देश को गर्त में भेज दिया? दूसरी बात इन्होंने कही, और ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ अपनी बात कहने से पहले, पत्रकारों की बात करी। मैं बहुत खुश हूं कि INB मिनिस्टर बदल गए, क्योंकि INB मिनिस्टर के कुछ पत्रकार व्हाट्सएप पर जिस भाषा का उनके लिए प्रयोग करते थे वो बड़ी दुखद भाषा है, उनको क्या क्या नहीं कहा जाता था, मुंह पर क्या क्या नहीं कहते थे। खैर, इस देश में हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, INB, IT, टेलीकॉम, लॉ, ये सब बेडरॉक होते हैं, ये सब नींव होती है गवर्नेंस की, ये सरकार की नींव होती है। इन सब में परिवर्तन आ गया है। आपने हर्षवर्धन जी को और उनके डेप्यूटी को हटाया क्योंकि कुप्रबंधन माना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया था उसके और उसके डेप्यूटी को भी हटाया गया क्योंकि शिक्षा में दिक्कतें आई, आपने माना। तो दिक्कत की बात यह है कि ठीकरा फोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं हर चीज में, चेहरा मोदी जी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन लगेगी, थैंक यू मोदी जी, नहीं लगेगी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं लग रही, ये सब बातें बेमानी। आज 2 ही सवाल है इस देश के सामने। इस देश में अभी तक 7 करोड़ लोगों से कम को 2 वैक्सीन कम क्यों लगे हैं? 6 करोड़ 89 लाख लोगों को 2 वैक्सीन लगे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ज्यादा पता की कहना चाहती हूँ, रोज वैक्सीन लगने हैं 80 लाख, लग रहे हैं 31 लाख, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप फेर बदल कर लीजिए। सच ये है कि चोला बदलने से अंदर का आवरण नहीं बदलेगा। गौरव भाटिया जी, चित भी पट भी दोनों मत कीजिए ना, एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया, हाँ, प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। 2 चीजें हो सकती है, या तो आप पार्टी के काम के लिए अपने अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है जो कि सही नहीं दिखाई देता है, दूसरी तरफ अगर उनका काम अच्छा था, अगर आप उनके काम की बड़ाई से शुरू कर रहे हैं सर, तो करने देते ना, अभी तो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव की आशंका है। सोचिए ना, ट्विटर के अधिकारी वहां हंस रहे होंगे कि यहां दो दो हाथ उनके साथ कर रहे थे और यहां तो उनकी छुट्टी हो गई। कोई मंत्री अगर हटता है मंत्री परिषद से और उसको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, या इस बार एक मंत्री हमारे थावरचंद गहलोत जी थे जिनको गवर्नर बनाया गया, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके मंत्रालय चलाने में कोई कमी रह गई थी। सुप्रिया जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, सूप तो सूप, छलनी भी पूछे जिसमें 72 छेद। अब कांग्रेस पार्टी की तो पूरी यूपी की आप तो उस वक्त बतौर रिपोर्टर जर्नलिस्ट कवर करती रहती थी, ऐसे ऐसे बम गिरते थे, फला मंत्री ने ये कर दिया, जिसके रिश्ते अच्छे हैं वो मंत्री पद में है, वहां से वो लीक हो रहा है, यहां से ये लीक हो रहा है, इसीलिए कहावत बोली अंजना जी, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अंजना जी, मैंने अपने शो की शुरुआत ही
शकील बदायूनी जी की सेकंड लाइन से करी थी, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चौधरी के चांद की वो लाइन। खैर मैं एक बात आपसे कहूंगी, समझ में नहीं आता हम 2021 में है या 2014 में है, 7 साल हो गए, सवाल पूछो तो 2014 नहीं तो नेहरू जी में पहुंच जाते, अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे ये तो सवाल बनेगा ही ना, पूछा तो जाएगा आपसे। और मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी बड़ी ही विनम्रता से, हम अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो उनसे कहते हैं बहुत मेहनत से काम करना, लगन से काम करना, ईमानदारी से काम करना, जिससे उन्नति मिले। जब किसी की नौकरी लगती तो कहते हैं बड़ी ईमानदारी से काम करना, आपको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर तो ईमानदारी और अगर इनकी बात मान ली जाए तो बड़ी ईमानदारी बहुत बढ़िया काम करने के बाद गेट आउट हो गया है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी बनाई हुई जलेबी में जब प्रवक्ता उलझते हैं तो कभी कभी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ कोरोना कुप्रबंधन के चलते मोदी जी खुश नहीं थे, मोदी जी खुद तो जिम्मेदारी स्वीकारेंगे नहीं, ठीकरा वहां फोड़ना था वहां फोड़ दिया गया, रमेश पोखरियाल जी के साथ भी ये हुआ। अब मैं अगर इनकी 2 मिनट बात मान भी लूं कि रविशंकर जी को, जावड़ेकर जी को, हर्षवर्धन जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उनके डेप्यूटी मिनिस्टर्स को क्यों हटा दिया गया, उनको भी सबको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये भी सवाल बनता है।